डिस्कस करने वाले हैं प्लेइंग टेबल सर्वेइंग में एरर्स इन प्लेइंग टेबल सर्वेइंग। ठीक है जी, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेथड्स इन प्लेइंग टेबल सर्वेइंग। तो मेथड्स में हमने रेडिएशन मेथड के बारे में डिस्कस किया, इंटरसेक्शन जो हमारे रिसेक्शन मेथड रहते हैं, ट्रावर्सिंग मेथड रहते हैं, तो एक एक करके हमने डिस्कस किया। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एरर्स इन प्लेइंग टेबल सर्वेइंग। ठीक है जी, जो प्लेइंग टेबल सर्वेइंग में जो एरर्स हैं बहुत सारे उसमें सोर्स रहते हैं जो एरर आने की कारण बनते हैं। ठीक है जी, तो सोर्स एरर क्या रहेंगे सोर्स के बारे में देखते हैं, सोर्स के अकॉर्डिंग समझेंगे जो हमारे एरर्स आते हैं प्लेइंग टेबल सर्वेइंग में। द सोर्स ऑफ एरर इन द प्लेइंग टेबल सर्वेइंग में बी इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर वन इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड वन जो हमारे प्लेइंग टेबल सर्वेइंग में एरर्स का सोर्स रहता है वो क्या रहेगा, एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन, एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग करते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन एरर्स को, जो सोर्स रहते हैं इनके इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन और साइटिंग और एरर इन ऑफ प्लॉटिंग, तो प्लॉटिंग के टाइम पे भी। तो ये कौन-कौन से एरर हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की। ठीक है जी, तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है हमारे प्लेइंग टेबल सर्वेइंग में आते हैं। ठीक है जी, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंटल एरर है, क्या वजह है। ठीक है जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर में, द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेन टेबल बोर्ड नॉट बीइंग स्मूथ। अगर टॉप जो हमारा प्लेन टेबल रहता है उसका जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है तो भी एरर आ सकता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट एरर रहेगा। ठीक है जी, तो इसकी वजह से भी एरर अकर हो सकते हैं द प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है जी, तो बात करते हैं द टॉप सरफेस ऑफ द प्लेन टेबल, बोर्ड नॉट बीइंग स्मूथ। ठीक है जी, और सेकेंड वन जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर की बात करें और क्या इंस्ट्रूमेंटल एरर रहते हैं, क्योंकि प्लेन टेबल जो बोर्ड है हमारा वो स्मूथ नहीं है तो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट एरर रहेगा। ठीक है जी, और क्या था, फिटिंग्स अटैच्ड विद द प्लेन टेबल, द फिटिंग्स अटैच्ड टू द प्लेन टेबल, लूज। ठीक है जी, जो भी हम सेटिंग्स फिटिंग्स करते हैं प्लेन टेबल के साथ वो क्या रह जाए, लूज रह जाए, क्योंकि स्क्रू है, ट्राइपॉड स्टैंड है, उसके साथ फिक्स करते हैं हमारे प्लेन टेबल को, जो सेटिंग सारे की सारी जो फिटिंग्स करते हैं वो अगर लूज होंगी तो भी इंस्ट्रूमेंटल एरर अकर्ड हो सकते हैं। ठीक है जी, तो और क्या जो हमारे इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आएंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग में, द वर्किंग एज ऑफ द एलिटेट, perpendicular to the base। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या वर्किंग है, जो फिड्यूशियल एज रहते हैं हमारे एलिगेट के वो अगर
स्ट्रेट नहीं है, वो स्ट्रेट पोजीशन पे नहीं है, और जो वेन्स है वो परपेंडिकुलर नहीं है हमारे बेस के जो प्लेन टेबल का रहेगा, ठीक है जी, तो भी हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, तो उसके लिए भी हमारा क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स माने जाएंगे, ठीक है जी। वर्किंग एज क्या होना चाहिए, ब्लेड का स्ट्रेट होना चाहिए और वेन्स परपेंडिकुलर, नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द बेस होनी चाहिए, ठीक है जी, इफ नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है जी। उसके बाद द ट्रफ ट्रफ कंपास बीइंग डिफेक्टिव, द ट्रफ कंपास डिफेक्टिव, ठीक है जी। तो हमारी ट्रफ कंपास है अगर वो डिफेक्ट, उसमें डिफेक्ट है तो वो भी क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट एरर माना जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ट्रफ कंपास की हेल्प से हम बहुत सारी जो पोजीशंस हैं जहाँ हमारा लेवल है, तो ये सारे हमारे क्या है रिज कंपास की हेल्प से हम क्या है लाइंस को क्या कहते हैं, नॉर्थ लाइन है, ठीक है जी, उसको मार्क करते हैं, जब उसको हम लोकेट करते हैं हमारे जो शीट रहेगी उसके कॉर्नर पे, ठीक है जी। तो इसलिए क्या है अगर डिफेक्टिव है तो ये हमारा क्या रहेगा, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर रहेगा। और इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या रहते हैं हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग में, द टू एंड्स ऑफ द प्लंबिंग फोर्क नॉट इन अलाइनमेंट, द टू एंड्स ऑफ प्लंबिंग फोर्क नॉट इन अलाइनमेंट, ठीक है जी, नॉट इन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में ना, जब हमारे प्लंबिंग फोर्क के दो एंड्स जो हैं वो क्या ना हो अलाइनमेंट में ना हो तो क्या होगा हमारा जो प्लंबिंग एक इंस्ट्रूमेंटल एरर माना जाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकती है, जो हमारे हम ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं उसमें क्या होगा दिक्कत आएगी, ठीक है जी। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में बहुत सारे जो होती हैं ये सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं हमारे, ठीक है जी। और है जो हमारे जो सारे के सारे जो इसको एलिमिनेट किया जा सकता है और इसको एडजस्ट किया जा सकता है, इफ द इंस्ट्रूमेंट आर चेक बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, सारे के सारे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर हैं, तो इन एरर्स को एलिमिनेट किया जा सकता है बाय द चेकिंग बिफोर द स्टार्टिंग द वर्क, ठीक है जी। अगर कोई भी अगर हम प्लेन टेबल सर्वेइंग का वर्क प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए पहले हमें चेकिंग करनी पड़ेगी, एडजस्टेबल है सारी चीजें हैं, फिटिंग्स जो हैं वो अच्छी तरह से हमने फिक्स की हैं या नहीं की हैं, वो सारी सारी चेकिंग के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चेक करेंगे तभी हमें पता चलेगा कोई ना कोई एरर्स का, इंस्ट्रूमेंटल एरर का, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या रहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर रहते हैं, ओके। तो उसके बाद अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद हमारे रहते हैं एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, ठीक है जी। तो एरर ये हमारे क्या है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से क्या हो सकता है, बहुत सारा जो हमारा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हो सकती हैं, अगर हमने कोई भी अगर कौन सा भी मेथड हम यूज करें तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट सही हमने सेटिंग नहीं की है, या हमने इंस्ट्रूमेंट की अपने सेंटरिंग नहीं की, या लेवलिंग अच्छे से नहीं की, तो हम या ओरिएंटेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, उसकी ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, जो भी हमने पॉइंट स्टेशन लोकेट करने हैं, जो उनके डिस्टेंसेस को देखना है, तो वो एग्जैक्ट हमें एक्यूरेट वैल्यूज को मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। तो इन चीजों को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी रहता है जी, एरर्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी रहता है, तो ये कैन बी एलिमिनेटेड एंड एडजस्टेड इफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर चेक्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, तो इसको एडजस्ट किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है, जो भी हम अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्लेन टेबल सर्वेइंग में, तो फिटिंग्स को अच्छे से हम फिट करेंगे, जो प्लेन टेबल्स जो लूज रह जाती हैं कई बार, जो हमारा ट्राइपॉड स्टैंड है वो उसकी जो हमारा अपर पार्ट रहते हैं, तो हमारे जो ग्राउंड है ग्राउंड स्टेबल ग्राउंड पे हमने फिक्स स्टेशन करना है, जो पैच्स हम हमारे एक जो पॉइंट रहता है तो हमारे एलिडेड यूज करते हैं, प्लम्बिंग फोर्क यूज करते हैं, तो इनके सारे के सारे अगर ये हमारे जो प्लम बॉब है, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उनका सही तरीके से क्या करना है हमने, जो डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए, ट्रफ कंपास है, ठीक है जी, यूज करते हैं, अगर डिफेक्टिव होंगे तो ये हमारा क्या है जो वर्क कर रहे हैं वो भी हमारा क्या रहेगा उसमें भी एरर आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एरर्स प्लेन टेबल सर्वेइंग में आते हैं एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, तो मैनिपुलेशन और साइटिंग की वजह से भी क्या होता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में
हमारे एरर्स अकर्ड होते हैं, ठीक है जी। तो इसके बारे में भी जानते हैं, वन बाय वन देखेंगे कौन कौन से एरर मैनिपुलेशन की वजह से होंगे या हमारी साइटिंग की वजह से हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सेकंड वन हमारे रहते हैं एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग। ओके, तो सेकंड वन हमारे एरर्स जो है कौन से रहेंगे, एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, ठीक है जी। तो साइटिंग की वजह से और मैनिपुलेशन की वजह से भी एरर्स आते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्या एरर्स हैं मैनिपुलेशन और साइटिंग की वजह से, ठीक है जी। द टेबल नॉट बीइंग प्रॉपर्ली सेंटर्ड एंड क्लैंप्ड, अगर हमने क्या किया मैनिपुलेशन जो की है वो अच्छे से, हमने जो प्लेन टेबल है हमारा उसको अच्छे से सेंटर्ड ही नहीं किया या हमने लेवल ही नहीं किया, ठीक है जी। तो इस तरह से एरर आ सकता है हमारा, मैनिपुलेशन एरर आ सकता है, ठीक है जी। तो क्या रहेगा, द टेबल नॉट बीइंग, द टेबल नॉट बीइंग सेंटर्ड एंड लेवल्ड, सेंटर्ड एंड लेवल्ड, ठीक है जी। द टेबल नॉट बीइंग सेंटर्ड एंड लेवल्ड, और जो हमारे लेवल्ड एंड क्लैंप, सेंटर्ड एंड क्लैंप, ठीक है जी। तो क्लैंपिंग नहीं अच्छे से की, इसकी वजह से भी हमारे मैनिपुलेशन एरर आ सकते हैं। और दूसरा क्या रहेगा, जो एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग आ सकते हैं, द प्लेन टेबल बोर्ड नॉट बीइंग हॉरिजॉन्टल और लेवल, द प्लेन टेबल नॉट बीइंग हॉरिजॉन्टल एंड लेवल, ठीक है जी। तो लेवल अच्छे से नहीं किया हमने, हॉरिजॉन्टल नहीं रखा, सेंटरिंग नहीं की या क्लैंपिंग नहीं की, तो ये सारे क्या है मैनिपुलेशन एरर रहेंगे अगर हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के लिए ऑपरेशन जो है हम प्लेन टेबल का कर रहे हैं, ठीक है जी। और क्या है, द बोर्ड नॉट बीइंग करेक्टली ओरिएंटेड, द बोर्ड नॉट बीइंग करेक्टली ओरिएंटेड, not being correctly oriented, and also the objects, and also the objects also the objects not correctly bisect, not correctly bisect, ठीक है जी। अच्छे से हमने बाइसेक्ट नहीं किया और ओरिएंटेड नहीं किया है हमारे बोर्ड को जो प्लेन टेबल बोर्ड है, तो भी क्या होता है कि मैनिपुलेशन एरर माना जाएगा, ठीक है जी। तो इसकी वजह से हमारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं सही नहीं हो सकती हैं। ओके, उसके बाद क्या, द एलिडेड नॉट बीइंग एक्यूरेटली पिवोटेड, द एलिडेड, द एलिडेड नॉट बीइंग एक्यूरेटली pivoted on the, pivoted on the station point on the paper, station point on the paper, ठीक है जी। फोर्थ फिफ्थ वन क्या रहेगा हमारा, मैनिपुलेशन। अगर हम बात करें मैनिपुलेशन की, तो अगर हम एलिडेट, अगर एक्यूरेटली हमने पिवोट नहीं किया है हमारे शीट ऑफ पेपर पे जो स्टेशन पॉइंट है हमारा, तो भी हमारा क्या होता है एक मैनिपुलेशन एरर माना जाएगा, ठीक है जी। द रेज ड्रॉन नॉट एक्यूरेटली, द रेज ड्रॉन नॉट एक्यूरेटली, नॉट एक्यूरेटली पिवोटेड पासिंग
पासिंग थ्रू द Points, ठीक है जी, तो भी क्या रहेगा, एक manipulation error रहेंगे हमारे, deciding error, क्योंकि हमने क्या किया है, अगर aggregate को accurately quote नहीं किया है, जब हमने accurately जो हमारे line raise होती है, raise line होती है, तो उनको हमने अच्छे से pass नहीं करवाया हमारे different points से, तो भी हमारे sizing problems रहेंगी, तो ये errors, इसकी वजह से भी errors आ सकती हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो errors हैं, carefully observation अगर हम eliminate करना चाहिए, all the above errors can be eliminated by carefully observation and citing. अगर हम carefully observation करते हैं हमारे errors की, अगर error ना आए, तो इसको citing करेंगे अच्छे से और observe करेंगे हर एक points को और हर एक अगर जो हमने fix किए हैं हमारे instrument जो हमारे यहाँ पे accessories रहती हैं, जहाँ हमारे अगर बात करें drawing sheet की जा हमारे सेंटर्ड करने टेबल को जा क्लैंप करा है अच्छे से करना चाहिए और हमारे लेवल करना चाहिए ओरिजिनल डायरेक्शन में रखना चाहिए, तो सारी की सारी जो बातें हैं ये क्या है मैनिपुलेशन और साइटिंग अगर अच्छे से करेंगे अगर वेल डिफाइंड वे से हम क्या करेंगे साइटिंग करेंगे ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट्स को तो हम इनको एलिमिनेट किया जा सकता है हमारे जो एरर्स आते हैं ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग। और लास्ट वन बात करें तो लास्ट वन जो हमारा एरर रहता है प्लेन टेबल सर्वेइंग में वो क्या रहेगा एरर्स इन प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग के टाइम भी हमारा जो एरर्स हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग पे आ सकते हैं, ठीक है जी, जब हम क्योंकि जो ग्राउंड फील्ड वर्क है हमारा तो फील्ड वर्क को एग्जैक्टली हम सिमिलरली क्या करते हैं पेपर वर्क भी करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, तो जो प्लॉटिंग कर रहे होते हैं तो प्लॉटिंग के टाइम पे हमारा जो एरर्स आने की संभावना रहती है यहाँ पे कौन कौन से एरर्स हैं क्या है प्लॉटिंग की वजह से वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। तो थर्ड वन अगर हम बात करें जो प्लेन टेबल में एरर्स आते हैं वो आते हैं हमारे एरर्स इन प्लॉटिंग, एरर्स इन प्लॉटिंग, ठीक है जी, तो प्लॉटिंग की वजह से जो हमारे एरर्स थे क्या रहेंगे। So the only source of such an error is the use of wrong scale and change of scale during the progress of survey work, ठीक है जी, जो survey है हमारा progress of survey या progress of work, इस तरह के errors तभी आते हैं जब हमारे पास wrong scale हम लेके चल रहे हैं, कोई गलत scale हमने क्या कर लिया assume कर लिया, जब हमने change of scale करते हैं तो उस time पे इस तरह के errors क्या आते हैं आने की जो संभावना रहती है ज़्यादा रहती है, ठीक है जी, प्लेन टेबल सर्वेइंग में, ठीक है जी, इनको मिनिमाइज भी किया जा सकता है, ठीक है जी। तो हमारे एरर्स इन प्लॉटिंग की बात करते हैं, द ओनली सोर्स ऑफ सच टाइप ऑफ एरर्स सच एन एरर्स ड्यू टू सच एन एरर्स ड्यू टू use of working scale, use of wrong scale, use of wrong scale and change in scale, change in scale during the progress of the work, during the progress by doing work carefully, doing work carefully
doing work carefully and using a good quality paper which may not shrink or warp, which may not shrink and warp, which may not shrink and warp easily due to moisture. ठीक है जी, तो ये हमारे एरर्स रहते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग और एरर्स इन प्लॉटिंग, तो इनको मिनिमाइज भी किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे थे एरर्स इन प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो तीन तरह के हमारे जो एरर्स अकर्ड होते हैं, जो सोर्स रहते हैं हमारे एरर्स आते हैं जो प्लेन टेबल सर्वे में, सोर्स इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट सोर्स रहता है, जहाँ मैनिपुलेशन में गड़बड़ी रहती है, जहाँ साइटिंग में हम अच्छे से नहीं कर पाते उसकी वजह से आते हैं, जहाँ प्लॉटिंग के टाइम पे क्या होता है इस तरह के एरर आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेन टेबल एंड एलिडेट। तो एलिडेट की एडजस्टमेंट क्या रहेगी और हम प्लॉटिंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं प्लेन टेबल की, वो कैसे करें, क्या करें। ठीक है जी, एलिडेट के बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।